नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका डेली के राशिफल में। बात करेंगे 9 मार्च को आप सभी के राशिफल का हालचाल कैसा रहेगा। दोस्तों, राहु काल रहेगा सुबह 10:15 तक से लेके 12 बजे तक। तो इस बीच में आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो शुभ हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं उनके सामने स्क्रीन पर नंबर्स आ ही रहे हैं, वो मुझसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेष राशि की बात कर लेता हूँ तो जो आज आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कम होती हुई कल दिखाई दे रही हैं। और जो जो आपका एनवायरनमेंट है ऑफिस का वो बहुत बढ़िया कल होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा शांत यानी कि पीसफुल वो रहेगा, जिससे आप अपने काम को और जो है वो अच्छे से कल कर पाएंगे। आपकी जो काम करने की जो तरीके हैं उसमें भी कल सुधार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक शांति भी कल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो राजनीतिक और सोशल चीज़ें जो हैं वो आपकी कल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई सोशल गैदरिंग में आप जा सकते हैं और जिससे आपको कई कुछ नए लोगों से मुलाकात आपकी कल हो सकती है। पर्सनल चीज़ें भी आपकी कल पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं और जो समस्याएं आपकी चल रही थी वो आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं मिथुन की अगर बात कर लूँ तो अगर कोई आपके डिस्प्यूट चल रहे थे या किस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी तो कोशिश कीजिए अब वो थोड़े से संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि कल थोड़ा सा वाणी पर ध्यान रखिएगा, वाणी अपनी कठोर मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जितना रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। दोस्तों, फिर से आपको याद दिलाता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कर की बात कर लें तो पर्सनालिटी जो है वो कल बड़ी अट्रैक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है और रोमांस के लिए दिन जो है वो काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी एक्साइटिंग आप कल रोमांस के लिए दिखाई दे रहे हैं। और बिजनेस में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी तो वो कल आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे या तो काम कर सकते हैं या उनकी प्लानिंग आप कल कर सकते हैं। वहीं जो है सिंह की अगर मैं बात कर लूँ तो सिंह राशि जो है उनको कल अपने कैरियर से थोड़ी सी निराशा जो है वो देखने को मिल सकती है। और वो निराशा के कारण आपके किए हुए पुराने कुछ काम ऐसे हैं जो आपके कल सामने आ सकते हैं। और इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी तरह की कोई ऐसी त्रुटि यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम मत कीजिएगा जिससे आपको कहने की बात आप दूसरे को दे दें। हालांकि शाम होते होते तक मन जो है वो शांत हो जाएगा और कहीं पे आप रोमांटिक डेट पे भी आप कहीं जा सकते हैं। कन्या राशि की बात अगर मैं करूं तो कुछ विरोधी जो हैं वो आपके सर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उठाएं वो कितना भी सर, लेकिन आप उनसे पार पा जाएंगे। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम वो नहीं देंगे जिससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। हालांकि संतान की जो नीड्स हैं और डीड्स हैं उन पे आपको ध्यान देना होगा और हो सकता है कल आपको आप जिससे आजकल चैटिंग कर रहे हैं, जिससे आप बातें कर रहे हैं उनसे आप कल मिल भी लें। तो रोमांस के लिए दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा, तो संभल के चलिएगा। दिन की शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिविटी से होती हुई दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ जो आपके विरोधी हैं वो आपको कुछ परेशान कल करेंगे, लेकिन ज़्यादा परेशान वो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, फिर से याद दिला देता हूँ, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तुला राशि की बात करूं तो घूमने फिरने और मौज मस्ती का प्लान आप कल कर सकते हैं। कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं बहुत दूर किसी विदेश यात्रा के बारे में भी आप सोच सकते हैं। वहीं आपके जो घर वाले हैं उनका सपोर्ट आपको मिलेगा और इस वजह से कल जो पढ़ाई जो बच्चे करते हैं उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कल पार्टी के मूड में ज़्यादा दिख रहे हैं, वो पढ़ाई के मूड में कल कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेना यार, क्योंकि अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आजकल CBSE ICSE बोर्ड्स के, तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाइयों पे भी ध्यान दो। वृश्चिक राशि की बात करूँ तो पॉपुलैरिटी गेन करने का बहुत अच्छा समय है। पॉपुलैरिटी गेन कल हो सकती है, किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, या वो हो सकता है कि जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, जिससे आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं,
वो आपसे खुद ही आके बात करे। और अगर आप कल सेल्फ एनालिसिस करेंगे अपनी चीज़ों का, तो काफ़ी सारी समस्याएं आप जो हैं वो सॉल्व अपने आप ही कर पाएंगे। धनु की अगर बात करूं तो अगर कोई आपकी इशू चल रही थी या रुका हुआ पैसा था आपका, वो कल आने की जो है वो स्थिति जो है वो बनती हुई कल जो है मुझे दिखाई दे रही है। तो उस लिहाज से धन और आर्थिक के मामले में दिन जो है वो काफ़ी अच्छा है। कुछ नए चेंजेस भी आप लाने की सोच रहे हो अपनी लाइफ स्टाइल में, तो वो भी आप कल ला सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो। हालांकि पापा मम्मी से कल कुछ थोड़ी सी आपकी आर्गुमेंट होती हुई मुझे लग रहा है कि कल थोड़े आर्गुमेंट होंगे कुछ, क्योंकि जो चेंज आप करना चाहोगे वो चेंज हो सकता है उनको वो पसंद ना आए। तो दोस्तों, मकर राशि और कुंभ और मीन बताने से पहले फिर से आपको याद दिलाता हूँ, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मकर राशि की बात कर लेता हूँ तो कुछ चेंजेस कल दिन जो है वो ट्रेंड दिखा रहा है। कल हो सकता है कुछ आपकी सीट ऑफिस में चेंज हो जाए या आपका लैपटॉप चेंज हो जाए, कुछ इस तरह की जो है चेंजेस होते हुए कल आपके यहाँ ऑफिस में दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो भी चीज़ें होंगी उनको आप बहुत पॉजिटिव वे में लेंगे और पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे। कोई नया ज्वाइनी से आपकी कल मुलाकात हो सकती है, किसी बंदे से आप मिल सकते हैं जो आपको आगे चलकर फायदा पहुंचा सकता है। कुंभ राशि की बात कर लेता हूं तो कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा कल ध्यान से चलाना बाइक, थोड़ी मोटी छोटी मोटी चोट लगने के थोड़े से यहाँ पर लक्षण जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और कल थोड़े से थकान महसूस करोगे आप ऑफिस के काम से भी, तो उस लिहाज से दिन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह जो है वो रह सकता है। काम में भी एक्स्ट्रा आपको अटेंशन देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि माइंड जो रहेगा वो आपका कल थोड़ा सा और बातों में उलझा रह सकता है, ना कि आपका फोकस जो है वो थोड़ा सा कल डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दोस्तों मुझे कल दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि अपने कामों को फोकस करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका ध्यान करें और काम पर निकल जाएं। मीन वालों की बात कर लेता हूँ तो जो लोग थोड़े से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा और काफ़ी क्रिएटिव काम आप अच्छे से कर पाएंगे और नए नए इनोवेटिव आइडियाज से आप कल लोगों को इम्प्रेस करेंगे, जिससे जो है आपकी जो काम की तारीफ है वो तो ज़रूर होगी लेकिन फाइनेंस में जेब ढीली होने का भी हिसाब किताब है। क्योंकि क्रिएटिविटी जब आप करेंगे तो क्रिएटिविटी में आपका खर्चा जो है वो होता हुआ कल दिखाई आपको देगा। वैसे कुल मिला के जो दिन है वो ठीक है। तो दोस्तों, ये हुआ 9 मार्च का राशिफल, और उन सबको हैप्पी बर्थडे जिनका दिन जो है वो 9 मार्च का बर्थडे है जिनका, उनके लिए उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, उनका आने वाला साल बहुत बढ़िया रहे। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने जो नंबर्स आ रहे हैं आप उन पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यथासंभव मैं आपको जवाब दूंगा और जैसा भी होगा मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। देखने के लिए आज का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मुलाकात आपसे रोज़ होती है 7 और 7:30 के बीच में, कल मुलाकात होगी। कल हालांकि मैं ट्रैवल करूँगा तो हो सकता है राशिफल आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, छोड़ के मत जाइएगा मुझे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।